हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी जीके। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है रिलेटेड टू करंट अफेयर, उसको हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पर अवेलेबल होगा, और हम यहाँ पर टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से आपका पूरा जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है वो यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीरीज चलेगी 100 क्वेश्चंस की, जिसमें लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, जहाँ पर डेली सुबह आपको रवि सर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आप सभी के साथ में डिस्कस किए जाते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को, तो वहाँ पर आपको डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये थी आप सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम शुरू कर लेते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं। तो ध्यान रखना, ये बने हैं सिरिल रामफोसा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं सिरिल रामफोसा जो कि बने हैं दक्षिण अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति। अब ये देखिए एज आ राष्ट्रपति यानी कि एज आ प्रेसिडेंट ये इनका दूसरा कार्यकाल है, और इनका जो पहला कार्यकाल था ये था साल 2018 में, यानी कि 15 फरवरी 2018 को ये पहली बार जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात आई है दक्षिण अफ्रीका की, तो इसकी राजधानी 3 है, जैसे कि पहली है प्रिटोरिया, फिर है केप टाउन, और एक है आपकी ब्लोमफोंटेन। और इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है इसकी साउथ अफ्रीकन रैंड। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ पर हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करें 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो ये हुआ है मुंबई में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखना कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये हुआ है मुंबई में। अब हुआ तो मुंबई में है, लेकिन कब से कब तक हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये हुआ है आपका 15 से लेकर 21 जून 2024 के बीच में। और ये जो आयोजन है ये हो रहा है मुंबई में, और इसमें दिखाई गई जो फिल्म है उनका प्रदर्शन ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे यहाँ पर भी किया जाएगा। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखना, और इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसका विमोचन क्या है। तो देखिए पुस्तक का नाम है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसका जो विमोचन क्या है वो किया है किसने, आर अश्विन ने, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो ये एक भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने अपनी आत्मकथा यानी कि अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसका विमोचन किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए जैसा कि जो लोग क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको ज़रूर पता होगा कि जो आर अश्विन है ये एक ऑफ स्पिनर है, और खेल के इतिहास में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम अपना किया है, और इन्होंने ही अपनी आत्मकथा अभी लिखी है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। और इसी के साथ में इन एक प्रसिद्ध लेखक है जिसका नाम है सिद्धार्थ मोंगा, उन्हीं के साथ में मिलकर इन्होंने इस पुस्तक को यहाँ पर लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए अगर हम बात करें भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन, तो इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर, तो ये हुआ है नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें IORA की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका ही जो सम्मेलन है वो हुआ है कहाँ पर, ये हुआ है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे।
तो देखिए इस सम्मेलन में बेसिकली क्या हुआ है, इस सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया सहित आईओआर सदस्य देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया है। अगर हम बात करें आईओआरए की, तो एक गतिशील अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है क्या कि जो हिंद महासागर यानी कि जो इंडियन ओशन वाला रीजन है उसमें क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना। तो बेसिकली नाम से आपको सजेशन मिल रहा है क्या, इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशन वाले रीजन को और भी मजबूत करना, ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर पर्पस है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है और इसी का सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली में। फिर साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को 2024 के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो देखिए युवा पुरस्कार की बात करें साल 2024 में साहित्य अकादमी ने कुल 23 लोगों को सम्मानित किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब देखिए युवा पुरस्कार तो हुए 23, लेकिन बात करें अगर बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं की तो इनकी संख्या है 24, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है कि एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका मिलती है, साथ ही में एक कास्केट और एक 50,000 रुपये का चेक यहाँ पर इनाम के तौर पर दिया जाता है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। कुल पुरस्कार जो मिले हैं यहाँ पर युवा को मिले हैं 23 और बाल को मिले हैं कितने, 24। फिर जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है, तो वो क्या है, पूर्वांचल सहकारी बैंक का, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। अब रद्द क्यों किया है, तो देखिए इसका रीज़न ये दिया गया कि पहले तो आप जानिए कि जो ये बैंक है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है और इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया आरबीआई ने क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है, जिस कारणवश से आरबीआई ने इस बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है साथ ही में आरबीआई ने यह भी कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपना जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं, यह भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डेविड वेज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वो किस देश से खेलते थे, तो वो खेलते थे बेसिकली नामीबिया से, जैसे कि आप इनकी टी शर्ट पे भी देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए T20 विश्व कप 2024 जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी चल रहे हैं USA और वेस्ट इंडीज़ में ये हो रहे हैं, तो उसी में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम की 41 रन से हार के बाद में नामीबिया की हरफन मोला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा कहाँ के खिलाड़ी थे, ये खिलाड़ी थे बेसिकली कहाँ के, नामीबिया के, तो ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखना है आपको बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं लोकी फर्ग्यूसन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा कि T20 के एक मैच में चार ओवर को मेडन फेंकने वाले, मेडन मतलब कि एक भी रन नहीं दिया उन्होंने, वो फेंकने वाले पहले गेंदबाज, तो ये बन गए हैं लोकी फर्ग्यूसन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए लोकी फर्ग्यूसन ने त्रिनाद में पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने T20 विश्व कप में सबसे किफ़ायती गेंदबाजी करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया और एक ही मैच में T20 मैच में चारों मेडन ओवर फेंकने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में 24 डॉट गेंद फेंकने वाले और एक भी रन नहीं देने वाले दूसरे गेंदबाज भी बन गए हैं, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा, तो ये कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा अपना प्यारा देश भारत, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024 का आयोजन ये अगस्त में किया जाएगा और इसका आयोजन कौन करेगा, ये करेगा भारत, और इसमें पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों की भागीदारी देखने की संभावना यहाँ पर है। हालांकि जब ये होगा तरंग शक्ति 2024 तब मैं डिटेल वीडियोस में लेके आऊँगी, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन ये करेगा कौन, भारत।
फिर ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए ड्रोन आजकल क्या है कि बहुत ही फेमस हो चुका है, इवन सरकार ने भी काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं वो निकाल चुके हैं, जैसे कि एक आपकी लखपति दीदी नाम से एक योजना, उसमें ड्रोन का जिक्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्रोन नीति को शुरू करने वाला, फिर मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति और ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है जयराम ठाकुर, के द्वारा अनुमोदित किया गया था। और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो है रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन सक्षम प्रौद्योगिकी उपयोग का प्रचार करना। तो ये बेसिकली इसका यहाँ पर पर्पस है। फिर है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अनामिका राजीव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये बन गई है अनामिका राजीव। तो देखिए सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने INS राजली अर्कुनम में इतिहास रच दिया है, जब वह भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर पहली वुमेन आपकी आती है, मतलब पहला वुमेन से रिलेटेड कुछ भी होता है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी गई है कौन? भारतीय नौसेना में अनामिका राजीव। फिर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, ये किस नदी पर बना है? तो देखिए ये जो पुल बना हुआ है ये बना है बेसिकली चिनाब नदी पर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए केंद्रीय रेल मंत्री है जिनका नाम है अश्वनी वैष्णव, इन्होंने घोषणा की कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल है जो बेसिकली है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी पर बना हुआ है, और कितने ऊपर बना है? तो ये 359 मीटर ऊपर है, यानी कि लगभग 109 फीट ऊपर है, और ये एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 35 मीटर ऊंचा है किससे? एफिल टावर से, मतलब बेसिकली एफिल टावर से भी ये ऊंचा है। फिर विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये कब मना है? तो ये मना है कब? ये मना है 17 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोथ। तो इसका जो दिन मना है ये बना है 17 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए मरुस्थलीकरण और सूखा वैश्विक आयाम के मुद्दे हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में अपनाए गए संकल्प के माध्यम से 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस ये घोषित किया था। और 2024 की अगर हम बात करें तो इसकी थीम है क्या? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, यानी कि यूनाइटेड फॉर लैंड अवर लेगेसी अवर फ्यूचर। फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी, जो कि अभी रिटायर हो गई है? तो ये है बेसिकली कौन? इनका नाम है रुचिरा कंबोज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद अब रिटायर हो चुकी है, और इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपना पद ग्रहण जो है वो ग्रहण किया था, लेकिन अभी रिटायर हो चुके हैं। नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है रुचिरा कंबोज, जो कि भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी, कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र में, यानी कि यूनाइटेड नेशन में। फिर लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के सचिव की बात करें तो ये नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना लोकपाल के सचिव बन गए हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो देखिए IAS अधिकारी हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, जो कि लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और लोकपाल की बात करें तो एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और मैक्सिमम 8 सदस्य आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इन सदस्यों में एक क्राइटेरिया होता है कि 50% जो यहाँ पर सदस्य होंगे वो आपके जुडिशियल बैकग्राउंड यानी कि न्यायिक सदस्य यहाँ पर होने चाहिए। और लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति ये करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, और उनके द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर इनकी जो है नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। ठीक है, अगला है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल इस पुस्तक के लेखक है अल्पना किला वाला, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अल्पना किला वाला, ये है पुस्तक के लेखक जिसका नाम है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। तो ये पुस्तक है इनकी और इसके लेखक है अल्पना किला वाला।
तो देखिए, अ फ्लाई ऑन द आरबी वॉल अल्पना किलावाला की आरबीआई में बिताए समय की कहानियों का संग्रह है और पूर्व पत्रकार अल्पना किलावाला ने 25 वर्षों तक आरबीआई के संचार कार्य का नेतृत्व किया था और उसी का जिक्र इन्होंने किया है अपनी इस पुस्तक में। फिर वैश्विक पवन दिवस यानी कि वर्ल्ड विंड डे 2024 ये कब मना है? तो वर्ल्ड विंड डे की बात करें तो ये मना है 15 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, वैश्विक पवन दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाते हैं और इसका उद्देश्य पवन ऊर्जा के महत्व और उसकी संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों के बीच में उसकी अवेयरनेस को क्रिएट करना, यही बेसिकली इसका पर्पज होता है जो कि हम मनाते हैं हर साल 15 जून को। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव दोबारा से किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वापस से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं किसके? प्रधानमंत्री जी के। तो उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, इन्हें फिर से प्रधानमंत्री जी का प्रधान सचिव यहां पर नियुक्त किया गया और उन्होंने 2014 से लेकर 2019 के दौरान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य यहां पर किया था। फिर विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब मना है? तो ये मना है 14 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन लोगों के बीच में सुरक्षित रक्तदान करने और इसके कारण अन्य जरूरतमंद इंसानों के जीवन बचाने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसको हम मनाते हैं। और इसका जो विषय है 2024 का वो है दान का जश्न मनाने के 20 साल, यानी रक्तदाताओं को धन्यवाद। फिर लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो कौन बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन ये बने हैं अजीत डोभाल जी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये फिर से बन गए हैं हमारे एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नाम है इनका अजीत डोभाल जी। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार अपना एनएसए नियुक्त किया और साथ ही उन्हें अगले 5 वर्ष के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी यहां पर दिया है। डोभाल जी की बात करें तो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जो 2005 में भारत की घरेलू एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के पद पर भी यहाँ पर कार्य कर चुके हैं। फिर पेरू के साथ में किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं पेरू और साथ ही में स्लोवाकिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पेरू और स्लोवाकिया दोनों ने ही अभी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पेरू और स्लोवाकिया ने नासा मुख्यालय में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए और जिसके हस्ताक्षरकर्ता देशों की कुल संख्या अब हो चुकी है 42। नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने 2020 में आर्टेमिस समझौते पर घोषणा की थी, इस पे मतलब एक आर्टेमिस अकॉर्ड की घोषणा की थी और आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के उपयोग में सहयोग के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पेरू और स्लोवाकिया दोनों ही यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, कुल मेंबर हो चुके हैं 42। अब आप मुझे बताओगे कि क्या इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड का मतलब उसने इसको साइन किया है या नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। फिर है, यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है साल 2025 को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि 2025 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष यहाँ पर घोषित किया है। और ये बेसिकली क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ कि घाना के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में अक्षय ऊर्जा, चिकित्सा, वित्तीय समावेशन और सुरक्षित संचार में सतत विकास के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर जोर दिया गया और उसी के बाद में यहाँ पर यूएन ने क्वांटम विज्ञान के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाने और समर्थन करने के लिए साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष यहाँ पर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना के तहत कितने नए घर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, पीएम आवास योजना की बात करें, इसी के तहत में अभी हाल फिलहाल में 3 करोड़ नए घर यहां पर बनाने की बात की गई है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा।
तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार 3 करोड़ नए घर बनवाएगी। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ और घरों को मंजूरी यहां पर दे दी है। पीएम आवास योजना के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 4.21 करोड़ मकान यहाँ पर बनाए हैं और अभी एडिशनल 3 करोड़ और मकान बनाए जाने की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। अगला है, पद्मश्री राजीव तारानाथ का निधन अभी हाल ही में हो गया है। आपसे पूछा गया कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो इनका संबंध था सरोद से, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, प्रसिद्ध सरोद वादक है राजीव तारानाथ, इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और उस्ताद अली अकबर खान के शिष्य तारानाथ ने पंडित रविशंकर और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से शिक्षा भी ली थी। उन्हें 2019 में पद्मश्री और साल 2000 में संगीत नाकद अकेडमी के द्वारा भी पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, सरोद वादक थे, नाम था राजीव तारानाथ, जिनका अभी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और पद्मश्री की बात करें तो ये इन्हें मिला था साल 2019 में। फिर भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नए मंत्री कौन बने हैं, तो आप इनको काफ़ी जाना होगा, अगर आपने देखा होगा काफ़ी फिलहाल इनका फेम है, तो इनका नाम है चिराग पासवान जो अभी बने हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के प्रमुख हैं हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी जिसमें कि चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। इसमें 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री यहाँ पर बनाया गया है, तो ये भी आपस में ध्यान जरूर रखिएगा। फिर जून 2024 में फिक्की का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो फिक्की के नए महानिदेशक ये बनी है ज्योति विज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, फिक्की ने ज्योति विज को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। अगर हम बात करें फिक्की की तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और अगर हम बात करें ज्योति विज की तो वर्तमान में फिक्की में वो अतिरिक्त महानिदेशक है और शैलेश पाठक का स्थान ये लेंगी जिन्होंने निजी कारणों से अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया, तो वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे ये अभी मना है 12 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का लक्ष्य बाल श्रम के विरुद्ध बढ़ते वैश्विक आंदोलन को गति प्रदान करना है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी कि ILO ने पहली बार बाल श्रम रोकने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद साल 2002 में सर्वसम्मति से एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध माना गया है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये बनता है, आप मुझे बताओगे कि 14 साल से कम बच्चे बाल श्रम निषेध है, ये वाला जो आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके जो इस बार की थीम है वो है लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम समाप्त करें, ये इस बार की थीम है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की। फिर पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तो पेमा खांडू ने अभी हाल ही में जो शपथ ली है वो ली है एज अ मुख्यमंत्री ऑफ विच स्टेट, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी इलेक्शन हमारे सेंटर में हुए हैं लोकसभा के, जहाँ पर मोदी जी की सरकार यहाँ पर आई है, लेकिन उसी के साथ में कई सारे स्टेट के यहाँ पर जो है इलेक्शन भी हुए हैं जिसके नए मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बनाए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं कौन, पेमा खांडू, तो इनका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और लगातार तीसरी बार ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता यहाँ पर इन्हें चुना गया और बेसिकली BJP से बिलोंग करते हैं, और इस समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने उन्हें शपथ यहाँ पर दिलाई है। फिर G7 सीकर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका इटली में, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब G7 की यहाँ पर बात हुई है तो हम जान लेते हैं कि G7 में कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं फ्रांस,
जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, यहाँ पर ये शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर शामिल हैं। और G7 की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी साल 1975 में। पहले G7 ना होकर ये होता था G8, जिसमें शामिल था कौन, ये था आपका यहाँ पर रूस भी शामिल था। यानी कि 1990 के दशक के अंत में G7 जो था वो G8 के नाम से जानते थे, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर रशिया भी शामिल था। लेकिन उसके बाद में 2014 के बाद में G8 से रशिया को हटा दिया गया और G7 ये वापस से बन गया, क्योंकि रशिया ने जब क्रीमिया पे अटैक करके उसको एनेक्स किया था उसके बाद में रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया था। तो अब आपको ध्यान रखना है G8 एग्जिस्ट नहीं करता है, अब जो एग्जिस्ट करता है वो है G7, जिसमें कि आपकी कंट्री आएंगी फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। यहाँ पे कनाडा मेंशन नहीं है, आप उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। ये 6 आपकी कंट्री बन रही है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, और साथ में 7th कंट्री यहाँ पर कनाडा है। तो आपको ध्यान रखना है G7 फिलहाल एग्जिस्ट करता है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर यहाँ पर रखा है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अभी मंगल ग्रह पर जो क्रेटर का नाम रखा है वो रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान जरूर रखिएगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम रखे हैं। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया। वहीं मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर के नाम से लिया गया है, जबकि हिलसा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिलसा शहर के नाम पर रखा गया है। तो ये आप इसमें जरूर ध्यान रखिएगा। फिर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान है 129, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। संस्करण है इसका 18वां। शीर्ष 3 देश है आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे, और भारत का स्थान है इसमें 129वां आउट ऑफ 146 कंट्री। और सबसे अंतिम स्थान पर आता है यहाँ पर सूडान। फिर भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है, तो ये बन गई है अन्नपूर्णा देवी। पहले जो ये मंत्रालय था वो स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन अब इनके पास नहीं है, अभी आ चुके हैं अन्नपूर्णा देवी के पास में। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो अभी वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसकी नई मंत्री बन गई है अन्नपूर्णा देवी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर किस भारतीय शिक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये हासिल किया शिल्पी अग्रवाल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका हैं सुश्री शिल्पी अग्रवाल। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में रैंक 1 हासिल करके शीर्ष प्रदर्शन करने वाली शिक्षिका बनी है। और ये ओलंपियाड बेसिकली अप एजुकेटर्स द्वारा आयोजित किया गया, जो कि शिक्षकों के कौशल विकास में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती एक एडटेक कंपनी है। फिर जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना इसकी शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की है असम सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम ये चलाई है किसने, असम ने, तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इस स्कीम में क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ कि असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह की समस्या से समाधान की दिशा में एक सराहनीय कदम यहाँ पर उठाया है। तो बेसिकली जो बाल विवाह है, बच्चों की शिक्षा है, मतलब बालिकाओं की शिक्षा के लिए बेसिकली स्कीम को चलाया गया है। और इसका जो अनाउंसमेंट किया है वो किया हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि मुख्यमंत्री है असम के, और इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है और राज्य याद रखना है असम। फिर मोटो जीपी भारत के 2025 संस्करण का आयोजन ये किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मोटो जीपी भारत को मार्च 2025 के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है, और रेसिंग की दुनिया के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट का भारत में आयोजन करने वाली कंपनियां और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर ये फैसला लिया है। तो बेसिकली पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो ये मोटो जीपी रेस है ये यूपी में होने वाली है, बट पहले ये होनी थी लेकिन इसको रीशेड्यूल कर दिया गया 2025 में, तो ये अब होनी है 2025 मार्च में, कहाँ पर, यूपी में। फिर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है रेड फ्लैग 24 का आयोजन ये किस देश में किया जा रहा है, तो इसका आयोजन ये हो रहा है कहाँ पर, आपको ध्यान रखना, हो रहा है यूएसए में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए,
भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का के एयरबेस में पहुंची है और इसका आयोजन दो फेज में नेवादा में नेलिस एयरफोर्स बेस और साथ ही में अलास्का में इल्सन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है और साल 1975 से रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन ये हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर, यूएसए में। फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टबैको डे ये कब मना है, तो ये मनता है 31 मई को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए बेसिकली साल 1987 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और साल 2024 में इसका जो थीम है वो है कि बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, यानी कि प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। फिर DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये है बेसिकली हवा से सतह की मिसाइल, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा तमिलनाडु में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बेसिकली तमिलनाडु में चेन्नई के पास में मापेडू में 14-24 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जून में शुरू होगा और इसका उद्देश्य होगा कार्गो हैंडलिंग, इंटर मॉडल ट्रांसफर और रीपैकिंग की सुविधाओं के साथ में लॉजिस्टिक में क्रांति लाना जिसकी दक्षता और लागत प्रभावशीलता बढ़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में होगा, बेसिकली चेन्नई में। फिर एएसआई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका कहाँ पर, ताशकंद जो कि है उज्बेकिस्तान में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ऐसे आम रेसलिंग चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है ताशकंद उज्बेकिस्तान में और इसमें बेसिकली इंडिया ने जीते हैं 7 पदक जिसमें कि 1 है स्वर्ण और 6 है कांस्य। तो श्रीमत झा ने बाई हाथ की पैरा श्रेणी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण यहाँ पर जीता है और दाएं हाथ की पैरा श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक यहाँ पर हासिल किया है। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह भंडारी, सचिन गोयल ने 2 और 1 कांस्य पदक जीते हैं, साथ ही में महिला वर्ग में 2 कांस्य पदक यहाँ पर जीते हैं, किसने, ईबी लोलिन ने। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस ऑपरेशन के तहत एक ईरानी जहाज जिसका नाम है अल कंबर और उसके नागरिकों को बचाया है, तो ये इसका जो नाम है वो है ऑपरेशन संकल्प, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज जिसका नाम है अल कंबर और इसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया है और इसमें सशस्त्र समुद्र डाकू, जिसको मतलब बेसिकली डाकू ने अपहरण इसका कर लिया था, ठीक है, और इसमें बेसिकली भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS सुमेधा और मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल यहाँ पर शामिल थे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित यहाँ पर की गई है प्रोफेसर मीना चरांदा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के कालंदी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों दिया गया, तो देखिए बेसिकली शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये सम्मान से उन्हें सम्मानित यहाँ पर किया गया है। फिर ओपन AI किस कंपनी के साथ मिलकर स्टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित कर रही है, तो ये कर रही है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलकर, तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं जिसकी लागत संभावित रूप से $100 बिलियन तक हो सकती है और इसका लक्ष्य माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर यहाँ पर बनाना। अभी देखिए, बेसिकली जो आपने नाम सुना होगा एरावत, ये फिलहाल में हमारा सुपर कंप्यूटर जिसको रैंक मिली थी 75वीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, और अभी जो फ्रंटियर नाम से सुपर कंप्यूटर सबसे टॉप मोस्ट सुपर कंप्यूटर जो कि USA का है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। फिर निम्न में से कौन सा IIT 6ठे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, तो ये कर रहा है IIT मद्रास, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। आयोजन तिथि की बात करें तो ये हुआ है 30 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में। आयोजन स्थल है इसका चेन्नई तमिलनाडु और संस्करण है इसका छठवां। और आपको ध्यान रखना है कि IIT मद्रास देश का एकमात्र IIT है जो कि हर साल ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित यहाँ पर करता है। फिर किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है, तो ये शुभारंभ हुआ है आपका मुंद्रा गुजरात में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा।
तो देखिए, दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान कॉपर प्लांट का संचालन कच्छ कॉपर अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी है बेसिकली, उसके द्वारा शुरू किया गया। और इसका लक्ष्य है तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करके स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने में मदद करना। विनय, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है रोम, इटली में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह ये हुआ है, और मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के लिए प्रस्ताव के बाद में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यहाँ पर घोषित किया था। फिर अप्रैल 2024 में किस कंपनी ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला लिया है? तो ये लिया फोर्स मोटर्स ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फोर्स मोटर्स की बात करें तो एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। फिर मार्च 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो कौन सा बना है? तो ये बना है GEM, जो कि भारत का है, और इसकी फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो देखिए, दुनिया के तीन सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो है कॉनेप्ट, जो कि कोरिया का है, ज़ीबिस जो कि सिंगापुर का है, और गवर्नमेंट ई मार्केट जो कि जैम के नाम से जाना है ये भारत का है। अगर हम बात करें GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे ई मार्केट की, तो ये बेसिकली सरकारी विभागों और संगठनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधाओं के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। फिर एक कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें वुमेन्स प्राइज 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो आपको बेसिकली कोड डिपेंडेंट नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में याद रखना है। इसके लेखक यहाँ पर है मधुमिता मुर्गिया। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं अर्णव बनर्जी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी साल 1975 में। इसके अलावा देखिए, हमारी कुछ PDF हैं जैसे कि जनवरी से लेकर मई 2024 का पूरा कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसमें पूरा आपका लास्ट 5 मंथ का यहाँ पर पूरा कंपाइलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जिसने ऑलरेडी ये परचेस कर चुके हैं वो लोग अप्रैल तक की, तो अगर वो स्पेसिफिक कोई मंथ की खरीदना चाहता है तो वो मई की भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 550 प्लस वन लाइनर और साथ ही में आपको MCQs प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि हमारी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन यहाँ पर आती है। इसके अलावा पॉलिटी की PDF है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मोर देन 5555 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, और इसमें आपका पूरा जो पॉलिटी है वो सेगमेंट यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं। अब वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा ICC एलीट अंपायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात आई है ICC की, तो इसकी बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय इसका दुबई में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बार्कले। फिर एक कौन सा देश महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के 69वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने सर्वसम्मति से 2025 में अपने 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए सऊदी अरब को नियुक्त किया है, और इसमें जो बेसिकली अध्यक्ष हैं वो हैं कौन? सऊदी राजदूत, जिनका नाम है अब्दुल अजीज अल वासिल, को यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य या फिर UT में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो उन्होंने शपथ ली है एज अ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश ऑफ जम्मू कश्मीर। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोवेस्टर सिंह ने मोहम्मद यूसुफ वानी को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर शपथ दिलाई है। फिर अप्रैल 2024 में समाचारों में देखा गया कच्चा थीवू द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेसिकली स्थित है आपका
पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए कच्छा थी वो द्वीप श्रीलंका के निदुम्बे और भारत के रामेश्वरम के बीच में एक निर्जन द्वीप है जो वर्तमान में श्रीलंका के द्वारा प्रशासित है और 1976 में ये जो क्षेत्र है वो भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित था। फिर संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह यानी कि नेशनल मैरिटाइम वीक ये कब मना है, तो ये मना है बेसिकली 29 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं श्री टी के रामचंद्रन ने 29 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मर्चेंट नेवी फ्लैग लगाकर 5 अप्रैल के समुद्री दिवस के लिए सप्ताह भर के समारोह की शुरुआत यहाँ पर की है। फिर मार्च 2024 में T20 क्रिकेट मैच में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं, तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली यहाँ पे पूछा है आपसे भारतीय विकेट कीपर, ठीक है, तो ध्यान रखना कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। फिर मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है बेसिकली रोहन बोपन्ना जो कि भारत से बिलोंग करते हैं और मैड एबडन जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए मियामी ओपन की बात करें तो इसका आयोजन ये 31 मार्च 2024 को हुआ था फ्लोरिडा यूएसए में। महिला एकल का खिताब जीता है किसने, डैनियल कॉलिंस जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं, और पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने, जैनिक सिनर ने जो कि बिलोंग करते हैं इटली से। अगला है आपका क्वेश्चन कि उत्कल दिवस 2024 ये कब मना है, तो उत्कल दिवस की बात करें ये मना है 1 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस कुछ भी आप कहें, ये हमेशा बनता है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई थी और उड़ीसा राज्य भी बना था 1 अप्रैल 1936 में। राज्य को मूल रूप से उड़ीसा के नाम से जानते थे लेकिन बाद में लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन यहाँ पर पेश किया मार्च 2011 में और इसका नाम बदलकर उड़ीसा से ओडिशा यहाँ पर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर है अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस दृश्यता यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2024 ये कब मना है, तो ये मना है 31 मार्च को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए 31 मार्च 2009 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस दृश्यता ये मनाया जाता है और ये दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किया जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। फिर किस राज्य की सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो देखिए सांझी क्राफ्ट की बात करें तो रिसेंटली ये जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है और ये जो पेंटिंग है या फिर आप कहिए जो क्राफ्ट है ये बिलोंग करता है बेसिकली किस राज्य से, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश मथुरा से, तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर मार्च 2024 में जारी एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य में 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं, तो ये रोके गए हैं बिहार राज्य में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला कि नागरिक समाज संगठन के गठबंधन ने 2022-23 में 9,551 बाल विवाह यहाँ पर रोके हैं और इनमें से अधिकांश लड़कियाँ लगभग 60% यानी कि 15 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच की थी। फिर हॉकी इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित यहाँ पर किया गया है किसको, तो इसमें ध्यान रखिएगा सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह, यानी कि फीमेल कैटेगरी में हुई है सलीमा टेटे एंड मेल कैटेगरी में यहाँ पर किया गया है हार्दिक सिंह को, तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये मिला है अशोक कुमार को और वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ये चुने गए हैं पीआर श्रीजेश। फिर भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं, तो ये हुआ है नेपाल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 3 दिवसीय नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में निर्णय लिया गया कि बेसिकली जो भारत और नेपाल है वो संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक साथ यहाँ पर हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना और नेपाल और भारत में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना था।
फिर अप्रैल 2024 में किसके द्वारा आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया गया? तो ये किया नरेंद्र मोदी जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित आरबीआई एट 90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। फिर फिक्की महिला संगठन की 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है जयश्री दास वर्मा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब इसमें फिक्की का नाम है, फिक्की की बात करते हैं तो स्थापना हुई है 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष है सुब्रकांत पांडा और संस्थापक है इसके घनश्याम दास बिड़ला। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है मौसमी बसु, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर कौन सा संगठन अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने हेतु डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी ये स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा आरबीआई, दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटा यानी कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को स्थापित करेगा। इसके तहत जिन ऐप्स पर डिजिटा के सत्यापित हस्ताक्षर नहीं है उन्हें कानून प्रवर्तन के उद्देश्य से अनाधिकृत माना जाएगा। फिर बैडमिंटन टूर्नामेंट आयरलैंड पॉलिस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनुपमा उपाध्याय ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अनुपमा उपाध्याय की बात करें तो इन्होंने तान्या हेमंत को हराकर आयरलैंड पॉलिस ओपन में महिला एकल का खिताब यहाँ पर जीता है। और एम आर अर्जुन और ध्रुव कपिला ने वार्षा में भारत के मजबूत प्रदर्शन का प्रदर्शन करते हुए पुरुष युगल का खिताब यहाँ पर जीता है। इसका आयोजन ये हो रहा था पोलैंड में, पोलैंड के कहाँ में, वार्षा में, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य की माता बड़ी पेड़ा और पचरा को प्रतिष्ठित जीआई टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो ये बिलोंग करते हैं त्रिपुरा से, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए, माता बड़ी पेड़ा की बात करें तो एक तरह की मिठाई है जो कि परंपरागत रूप से गोमती जिले के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसी जाती है। वहीं पचरा की बात करें तो जो राज्य के स्वदेशी समुदाय हैं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। फिर भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा मुंबई महाराष्ट्र में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, मुंबई को सशस्त्र बलों द्वारा सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए देश के पहले त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच में एकता को बढ़ावा देना। वर्तमान में भारत के पास कोई सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है। 2001 में अंडमान और निकोबार कमांड को एक पूर्ण त्रिसेवा कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। फिर मेटॉक यानी कि मौसम विज्ञान समुद्री विज्ञान सेमिनार मेघयान 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है कोची केरल में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, और इसकी थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। और इस अवसर पर बेहतर और त्वरित निर्णय लेने को सशक्त बनाने वाले मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करने के लिए एक स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इंद्र यानी कि इंडियन नेवल डायनामिक्स रिसोर्सेज फॉर वेदर एनालिसिस की शुरुआत की गई है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये मना है 23 मार्च को। फिर अप्रैल 2024 में पहली बार किस देश ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन को हासिल किया है? तो ये हासिल किया है भारत ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन वर्ष 2024 में, मतलब वित्त वर्ष 2024 में पहली बार 1 बिलियन टन से अधिक हो गया है, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत का कुल कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 937 मिलियन टन था और वित्त वर्ष 24 के दौरान कोयला और लिग्नाइट का संयुक्त उत्पादन 1039.57 मीट्रिक टन था, जबकि प्रेषण ये 1016.71 मीट्रिक टन था। अगला है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये कब मना गया है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2024, तो ये मना है 2 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसकी थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस और इस दिन का उद्देश्य इस स्थिति वाले व्यक्तियों को अधिक समर्थन और शक्ति प्रदान करना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे एक सार्थक जीवन जीने के साथ एक सफल करियर भी बना सकें।
फिर है अप्रैल 2024 में इनवा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है विनीत जैन को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए टाइम्स ग्रुप्स के एमडी है विनीत जैन, इन्हें भारतीय समाचार टेलीविजन में उनके योगदान के लिए इनवा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फिर अप्रैल 2024 में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं, तो ये बने हैं MS धोनी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में अभी मैच हुआ था, CSK के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फिर 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो वो रहा है महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित पुरुष और महिला दोनों खिताब यहां पर जीते हैं। विजेता टीम यहां पर 3,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि जीती है और साथ में एक ट्रॉफी यहां पर जीती है, और उप विजेता टीम ने यहां पर 2,00,000 रुपए की राशि और एक ट्रॉफी यहां पर उन्होंने जीती है। फिर अप्रैल 2024 में जुडित सुमनवा तुलुका ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये बनी है कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए अफ्रीकी देश है कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके राष्ट्रपति बनी है फेलिक्स त्शेकेदी ने 1 अप्रैल 2024 को जुडित सुमनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर चुना है। अगर हम बात करें कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, तो इसकी राजधानी है किकांशा और इसकी जो मुद्रा है वो है यहाँ पे कांगो फ्रेंक। फिर अप्रैल 2024 में लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए पैनासोनिक ने किस कंपनी के साथ में यहाँ पर समझौता किया है, तो वो क्या है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत में लिथियम आयन सेल के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए पैनासोनिक एनर्जी के साथ में साझेदारी की है, और लिथियम का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में किया जाता है। इन बैटरियों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के साथ साथ बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण के लिए भी किया जाता है। फिर नवीनीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कोच ESG पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया REC लिमिटेड को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड को नवीनीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कोच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, और इसमें बेसिकली उन संगठनों को मान्यता यहाँ पर देते हैं जो पर्यावरण सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं। फिर 2023-24 में कौन सा बंदरगाह भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह बना है, तो ये बना है पारादीप बंदरगाह जो कि ओडिशा में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ओडिशा ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को विस्थापित कर दिया है, और 2023-24 में पारादीप बंदरगाह ने 145.38 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो को संभाला है। फिर ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, तो ये बन गई है बाल्को वेदांता, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए छत्तीसगढ़ स्थित वेदांत एल्यूमिनियम इकाई जिसको शॉर्ट में कहते हैं बाल्को, इन्होंने प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला को शामिल करते हुए कोरबा में अपनी सुविधा के लिए ASI प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त यहाँ पर किया है। फिर एक्सिस कैपिटल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो ये बने हैं अतुल मेहरा, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। फिर अप्रैल 2024 में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक एंड फील्ड स्टार का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था डियाने सीमे तिवारी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक और फील्ड स्टार है डियाने सीमे तिवारी ने कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किए, और 1962 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। फिर अप्रैल 2024 में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं, तो ये खोजे हैं कैलिस्टो पे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
तो ध्यान रखिए, यह खोज तब सामने आई जब शोधकर्ता बृहस्पति के चंद्रमा पर पराबैंगनी विकिरण के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक विकास की जांच कर रहे थे। इससे कैलिस्टो पर ओजोन के निर्माण के निशान सामने आए हैं। कैलिस्टो के बारे में अगर हम जाने तो इसकी खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने, और कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा और सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। फिर अखिल भारतीय सीसीआई बिलीडियर्स क्लासिक 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, पंकज आडवाणी ने 1836-743 के स्कोर के साथ में डेविड काजियर को हराकर सीसीआई बिलीडियर्स क्लासिक खिताब यहाँ पर जीता है। अगर हम बात करें पंकज आडवाणी की, तो एक भारतीय बिलीडियर्स और पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी हैं, और ये 27 बार अंतर्राष्ट्रीय बिलीडियर्स और स्नूकर फेडरेशन विश्व चैंपियंस भी रह चुके हैं। फिर मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर, जो कि बिलोंग करते हैं इटली से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके अलावा अगर हम जैनिक सिनर की बात करें, तो इन्होंने ग्रिगोर त्रिमेदोव को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है, और अप्रैल 2024 में जैनिक सिनर अब ATP रेस में नंबर 1 और विश्व रैंकिंग में नंबर 2 पर आ चुके हैं। उन्होंने 13 ATP टूर एकल खिताब जीते हैं, जिसमें 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में और एक ग्रैंड स्लैम खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया है। फिर प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नियुक्त किया है शेफाली बी शरण को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और शेफाली बी शरण की बात करें तो उन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने लिया है मनीष देसाई का स्थान। PIB की बात करें, स्थापना हुई थी 1919 में, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। फिर अब्दुल फतेह अल सीसी ये किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं मिस्र यानी कि इजिप्ट के, तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। और अब्दुल फतेह अल सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब वो 2030 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। अगर हम बात करें मिस्र की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी काहिरा, मुद्रा है यहाँ की मिस्र पाउंड, और राष्ट्रपति है अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो ये बन गई है मीराबाई चानू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स की रजत पदक विजेता और मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन मणिपुर की मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र भारोत्तोलक ये बन गई हैं। फिर अप्रैल 2024 में किस राज्य के बिहू ढोल सहित 19 वस्तुओं को GI टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है असम, ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखिएगा। फिर अप्रैल 2024 में कोडाईकनाल सौर वेधशाला ने अपने सौर अध्ययन के 125 वर्ष यहाँ पर पूरे किए हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अगर हम बात करें किसकी, कोडाईकनाल सौर वेधशाला, तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ये है कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो इसने अभी 1 अप्रैल 2024 को अपनी 125वीं वर्षगांठ बनाई है, और इस अवसर पर भारतीय खगोल भौतिकी की स्थानीय परिषद के अध्यक्ष SS किरण कुमार ने वर्षगांठ समारोह के लिए कोडाईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया है। फिर अप्रैल 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 80, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं, और ये बेसिकली उच्च सदन जो कि आपका राज्यसभा है वहाँ पे लगभग 3 दशक लंबे कार्यकाल के साथ थे, लेकिन जब इनका कार्यकाल अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, साल 2004 से 2014 तक। उन्होंने 1982 से 1985 तक RBI के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है, और साथ ही में PV नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री भी थे। फिर बिंदिया रानी देवी ने 2 अप्रैल 2024 को थाईलैंड के फुकेट शहर में आयोजित IWF विश्व कप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बेसिकली 196 किलोग्राम भार उठाकर ये पुरस्कार अपने नाम किया है।
फिर अप्रैल 2024 में उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजय नायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और संजय नायर ने अजय सिंह के स्थान पर एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। वर्तमान में अजय सिंह की बात करें तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। एसोचैम मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थापना इसकी हुई थी 1920 में। फिर अप्रैल 2024 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 64 भारतीय कामगारों का प्रथम बैच किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये हुआ है इसराइल के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इसराइल में संघर्ष के दौरान नौकरियों के लिए जाने वाले भारतीय निर्माण श्रमिकों का प्रथम बैच 2 अप्रैल 2024 को रवाना हुआ और इसे इसराइली राजदूत नाओर गिलोन और सरकारी अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर रवाना किया है। फिर अप्रैल 2024 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? तो ये बिलोंग करते थे वेनेजुएला से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर दुनिया का पहला इमोशनल इंटेलिजेंस वाला संवादात्मक एआई कौन सा बना है? तो ये बना है कौन सा, ईवीआई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। ईवीआई ह्यूम द्वारा विकसित दुनिया का पहला इमोशनल इंटेलिजेंट वॉइस एआई है। यह ह्यूम के स्वामित्व वाले एम्पैथेटिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि ईएलएलएम द्वारा संचालित है और ये भाषण के स्वर, लय और समय के संसाधित करता है जो इसे नई क्षमताओं को प्राप्त करने में सहायता करती है। फिर अप्रैल 2024 में कौन सा देश भांग के मनोरंजक उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बना है? तो ये बना है कौन सा, जर्मनी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, राजनेता और चिकित्सा संघों के विरोध का सामना करने के बावजूद जर्मनी मनोरंजक भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया है। नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को अब 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाने और घर पर 3 माजुराना पौधों की खेती करने की अनुमति दी गई है। फिर तमिलनाडु के ताम्बरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है आरएन रवि ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये उद्यान 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के इतिहास और मूर्ति को प्रदर्शित करता है जो वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। फिर शिकायत निवारण प्रणाली ऐप स्कोर 2.0 को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया सेबी ने, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें सेबी की तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं इसकी, वो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है माधुरी पुरी बुच। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ करंट अफेयर्स। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ कुछ टेस्ट की क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा हमारे कुछ पीडीएफ है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि आपको करंट अफेयर के पूरा कंपाइलेशन मिलेगा जनवरी से मई तक, इसको आप परचेज कर सकते हैं। सेपरेट अगर आप लेना चाहो तो आप अलग से मंथली पीडीएफ भी ले सकते हो मई की, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा पॉलिटी की पीडीएफ, इसमें मोर देन 5000 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जो कि है रवि स्टडी आईक्यू जीके, जिस पे आप जाकर सभी आप टेस्ट क्विजेस, करंट अफेयर के क्विजेस पे लगा सकते हैं, इंस्टॉल आप कर सकते हो डायरेक्टली प्ले स्टोर से। और हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, करंट अफेयर चैनल है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ करंट अफेयर्स की जितने भी हमारी पीडीएफ रहती है वो अवेलेबल हो जाएगी, लिंक्स आपको सभी मिल जाएंगे वीडियोस के, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे जो लेटेस्ट ई बुक्स आती हैं वो हमारी वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेंगी जिसका नाम है ravibookspdf.com के नाम से, तो इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।